Today we will do exercise 6.3. So let's start from question number 1. What could be the possible ones digits of the square root of each of the following numbers? ये हमने पिछली exercise में भी किया है ना, कि ones digit क्या होगी, ये जो numbers दिए हैं इनका square करने पर इनकी ones digit क्या होगी, ठीक है, या स्क्वायर रूट इनका होगा तो उनकी वंस डिजिट क्या होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर का आंसर। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 9801। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक और नाइन, वन और नाइन का जो स्क्वायर है वो कितना आता है, उसका उसकी वंस डिजिट उसके स्क्वायर का, सॉरी, अगर वन का स्क्वायर हम करते हैं तो वंस डिजिट हमें क्या मिलती है, वन ही मिलती है। नाइन का स्क्वायर हम करते हैं तो उसकी वंस डिजिट हमको क्या मिलेगी, नाइन का स्क्वायर क्या हुआ, 81, है ना। और 81 में वंस डिजिट क्या है या यूनिट डिजिट क्या है, वन है ना। सो वन एंड नाइन गिव्स आउट वन इन द वंस डिजिट, ओके। सेकेंड, फोर, द स्क्वायर ऑफ फोर एंड सिक्स, फोर और सिक्स का स्क्वायर करेंगे हमें करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, सिक्स मिलेगा। सिक्स का स्क्वायर क्या होता है, 36, फोर का स्क्वायर क्या होता है, 16, ओके। एंड द स्क्वायर ऑफ फाइव गिव्स आउट फाइव इन द वंस डिजिट, फाइव के स्क्वायर में फाइव ही आता है वंस डिजिट में, ओके। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स इन अ गिवन नंबर 9801, वंस डिजिट इज वन, इसमें आपकी वंस डिजिट क्या है, वन है। So we do know that square of 1 and 9 gives out 1 in ones digit, है ना। हमें ये 9801 दिया है तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना। पहले हम लोग स्क्वायर फाइंड करते थे, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखें वंस डिजिट 1 दी हुई है आपको, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि 1 और 9 का जब स्क्वायर करते हैं तो वंस डिजिट में क्या मिलती है, 1 मिलती है, है ना। सो हेंस पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट इज 1 और 9। तो ये जो नंबर दिया है वो ऐसे नंबर का स्क्वायर हो सकता है जिसकी वंस डिजिट 1 होगी या 9 होगी, जैसे 41 या 81 या 31 या 39, है ना, ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा ये, ओके। सेकेंड, इन अ गिवन नंबर 9856 वंस डिजिट इज 6, और 6 के लिए हम जानते हैं कि 4 और 6 के स्क्वायर में ही वंस डिजिट क्या होती है, 6 होती है, है ना। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या हो सकता है, हैंस पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट इज 4 और 6, जो भी नंबर हमें मिलेगा उसकी वंस डिजिट 4 या 6 होगी, ओके। नाउ थर्ड, इन अ गिवन नंबर 99,800, 8001, वंस डिजिट इज 1, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ 1 एंड 9 गिव्स आउट 1 इन वंस डिजिट, हैंस पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट इज 1 और 9। इन अ गिवन नंबर 65,76,66,025, वंस डिजिट इज 5, and we know that square of 5 gives out 5 in ones digit, hence possible ones digit of the square root digit is 5, okay. Now question number 2, without doing any calculation, बिना calculation किए हमें क्या find करना है, find the numbers which are surely not perfect square, बिना calculation किए हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा number जो है जिसका perfect square नहीं है, ठीक है। So we know that the number end with 2, 3, 7 or 8 can never be a perfect square, हम जानते हैं, आपको मैंने 1 से लेकर 10 तक की और 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर टेबल दिखाया था, और उसमें आपको यूनिट डिजिट भी दिखाई थी, वंस डिजिट दिखाई थी, जिसमें आपका 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है ना। तो जिन नंबर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होगी वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में देखें आप 3 दिया है, सेकंड नंबर में यूनिट डिजिट 7 दी है,
थर्ड नंबर में यूनिट डिजिट 8 दी हुई है ना, तो ये तीनों तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, तो यहाँ आंसर लिखा है, आप ये देखकर लिख लेंगे। ओके, फोर्थ नंबर जो है 1 दिया हुआ है इन अ नंबर 441 एंड डिजिट इज 1 विच इज नॉट वन ऑफ 2, 3, 7 or 8, सो इट कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. हमको 100 और 169 का subtraction, repeated subtraction से square root find करना है, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे? देखिए, इसमें से हम ये जो number दिया है, इससे हम odd numbers को subtract करेंगे, okay? देखिए, to find the square root of 100, we subtract successive odd number starting from 1 as follows. Successive odd number बोल रहा है, मतलब बढ़ते हुए 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा है ना। तो 100 minus 1 देखें 99 में से अब 3 minus किया, फिर 5 minus, फिर 7, तो ऐसे करके ये देखें एक ऐसा time आया या एक ऐसा number आया जिनको आपस में minus करने से 0 आ गया, ठीक है। 19 माइनस 19 क्या हुआ, 0। सो वी ऑब्जर्व दैट द नंबर 10 रिड्यूस्ड टू 0 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। आप इन अकाउंट करिए, देखिए टोटल कितने नंबर है, 99 75 19, ये 3 ये हो गए, 3 ये 6, 2 8 और 2 10, ठीक है। तो 10 है, इट मींस 100 जो है वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, ये देखिए, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। अब 169 का देखें, वैसे ही इसमें 1, 3, 5 माइनस करेंगे तो कितने बार में ये होगा, 13 बार में आएगा ये 0। ये देखिए लास्ट में आया 25 माइनस 25, ये सीधे सीधे किया है, पहले 1 माइनस किया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, है ना। वी ऑब्जर्व दैट द नंबर 100 रिड्यूस्ड टू 0 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट 13 ऑड नंबर्स। ओके, सो 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर 13 का, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कल करेंगे। ओके,